हेलो नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक को लेकर जो अपडेट निकल कर आ रही है, क्या है वो नई अपडेट, उस पर अपने चर्चा करेंगे। और साथियों, जो एडिट का ऑप्शन है वो पोर्टल पर शुरू नहीं किया गया है, वो जो प्रिंसिपल की SSO ID है उस SSO ID पर शुरू किया गया है। साथियों, वहाँ से आप टीम को एडिट कर सकते हैं, टीम को डिलीट कर सकते हैं, नई टीम क्रिएट कर सकते हैं, और जैसे आपकी टीम बन चुकी है उस टीम को आप डिलीट करके वो सारे खिलाड़ी व्यक्तिगत हो जाएंगे और उनका आप गेम चेंज भी कर सकते हैं। अभी उसमें टीम डिलीट और नई टीम क्रिएट का और खेल चेंज का यही ऑप्शन आए हैं। रजिस्ट्रेशन का अभी तक कोई भी ऑप्शन नहीं आया है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा तो आपको अवगत करवा दिया जाएगा। और साथियों, जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक है, जो शहरी ओलंपिक है, उसकी डेट क्या रहने वाली है, यानी वो 5 अगस्त से शुरू होंगे, किस दिनांक को वो नगरपालिका स्तर पर होंगे, जिला स्तर पर कब होंगे, राज्य स्तर पर कब होंगे, तो उनके बारे में अपने डिटेल से इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। इसके बाद अपने जो ग्रामीण ओलंपिक होने वाले हैं उनके बारे में अपने जानेंगे। तो देख लीजिए साथियों, अपन बात कर लेते हैं। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में संख्या रहेगी 667 और ये 6 दिन के लिए करवाए जाएंगे, यानी ये 5 अगस्त से शुरू होकर 10 अगस्त तक रहेंगे। जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम स्तर पर जो प्रतियोगिताएं होंगी राजीव गांधी शहरी ओलंपिक के अंदर, वो 5 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक रहेगी। अब देख लीजिए जिला स्तर पर कब शुरू होंगी। जैसे ये प्रक्रिया कंप्लीट होगी तो जिला स्तर पर रहेगी संख्या 33। ये जिला स्तर पर भी 6 दिन की प्रतियोगिता होने वाली है। 6 दिन के अंदर इन जिला स्तर पर प्रतियोगिताओं को कंप्लीट करवाना होगा। 1/9/2023 से लेकर 6/9/2023 तक जिला स्तर पर चलने वाला है शहरी ओलंपिक। और राज्य स्तरीय पर देख लीजिए, राज्य स्तर पर एक टीम और 4 दिन का रहेगा वहाँ पर प्रतियोगिता। और यहाँ पर आप देख लीजिए 15/9/2023 से लेकर 18/9/2023 तक रहने वाला है राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में। अब साथियों, अपन बात कर लेते हैं जो ग्रामीण ओलंपिक होने वाले हैं, ग्रामीण ओलंपिक की क्या अपडेट है, वो कब किस स्तर पर होने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने ग्रामीण ग्राम पंचायत स्तर खेल प्रतियोगिताओं की बात करें तो 11,251 संख्या रहेगी, यह भी 6 दिन के लिए खेला जाएगा। पिछली बार 4 दिन थे ग्राम स्तर पर, इस बार 6 दिन की अवधि दी गई है ग्राम पंचायत स्तर पर खेलने के लिए। और यहाँ पर देख लीजिए प्रतियोगिता की अवधि रहेगी 5 अगस्त से शुरू होंगे और 10 अगस्त तक रहेंगे, 6 दिन सेम रहेंगे। ग्रामीण और शहरी ओलंपिक दोनों एक साथ साथ चलेंगे। वहीं अगर अपन ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं की बात करें तो संख्या 355 रहेगी, ब्लॉक स्तर पर भी 6 दिन का खेल रहने वाला है। ब्लॉक स्तर पर देख लीजिए 17/8/2023 से लेकर 22/8/2023 तक ब्लॉक स्तर पर जो ग्रामीण क्षेत्र की ग्रामीण ओलंपिक की प्रतियोगिताएं होंगी वो करवाई जाएंगी। अब देख लीजिए जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं कब होगी। जिला स्तर पर जिले की संख्या रहेगी 33, 6 दिन की यह भी प्रतियोगिता 6 दिन की रहने वाली है। जिला स्तर पर भी वो 1/9/2023 से लेकर 6/9/2023 तक जो ग्रामीण ओलंपिक है वो जिला स्तर पर आयोजित करवाए जाएंगे। और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता की बात करें तो संख्या रहेगी 1 और यहाँ पर 4 दिन के लिए आयोजित करवाई जाएगी, 15/9/2023 से लेकर 18/9/2023 तक राज्य स्तरीय जो ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता है वो आयोजित करवाई जाएगी। इस प्रकार रूपरेखा रहने वाली है, यानी 5 अगस्त से अगर राजस्थान शहरी और ग्रामीण ओलंपिक शुरू होते हैं तो राज्य स्तरीय तक का जो शेड्यूल है वो इस प्रकार रहने वाला है। कोई भी जानकारी राजस्थान ग्रामीण और शहरी ओलंपिक से जुड़ी हुई आएगी तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दे दी जाएगी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप किसी भी अपडेट से मिस ना हो पाए। जय हिंद।